हेलो नर्सरी चिल्ड्रन, आज हम सीखेंगे बेटा त, थ और द। हमने अब तक अणा तक पढ़ा है, उससे आगे आज हम त, थ और द सीखेंगे। ये क्या है? त, त से तरबूज। क्या है? तरबूज। तरबूज कैसा होता है बेटा? तरबूज बाहर से हरे रंग का होता है और अंदर से लाल रंग का होता है, ठीक है? और उसके बीज वो काले रंग के होते हैं, ठीक है? और क्या क्या होता है त से? त से तोता, त से तरबूज, त से तोता, त से तराजू, त से ताला, ठीक है? और बहुत सारे नाम त से होते हैं, तो आज हम त बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। इधर ये आपकी ब्लू लाइन है दोनों, ये ब्लैक, ब्लैक से थोड़ा सा ऊपर से लेंगे और इसको नीचे ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से घुमाते हुए नीचे ब्लू लाइन तक, यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ लेके जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से घुमाते हुए नीचे सीधे हाथ की तरफ और ऊपर से स्टैंडिंग लाइन, ठीक है? यहाँ से घुमाएंगे और इसको नीचे और ऊपर से नीचे तक लाएंगे और इसके ऊपर बेटा स्लीपिंग लाइन। इधर देखेंगे, आप ये भी कर सकते हो, पहले आप सीधी लाइन खींचो और यहाँ से इसको उल्टे हाथ की तरफ लेके जाओ और यहाँ से घुमाते हुए फिर सीधे हाथ की तरफ लेकर आएंगे नीचे से ऊपर, फिर स्लीपिंग लाइन, ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ और यहाँ से घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे, ठीक है? और बिल्कुल इसको सीधा नहीं लेके आएंगे, थोड़ा सा सीधे हाथ की तरफ घुमाएंगे, ऊपर से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ सीधे लेके जाएंगे और यहाँ से नीचे घुमाते हुए सीधे हाथ की तरफ लेके जाएंगे थोड़े से, ठीक है? ऊपर से लाइन, और ब्लू लाइन से ब्लू लाइन के बीच में ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? समझ में आया? अब हम सीखेंगे थ। क्या ये? क्या ये? थ से थर्मस, थ से थर्मस। और क्या होता है थ से थाली। आप खाना खाते हो, थाली वो थ से ही होती है। और आपको फीवर होता है, आप अपना फीवर चेक करते हो, किससे करते हो? थर्मामीटर, ठीक है बेटा? तो थ से थर्मामीटर। थ कैसे बनाएंगे इधर देखेंगे। ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक देखेंगे, ठीक है? ब्लू लाइन से जो दोनों ब्लू लाइन होते हैं उन्हीं के बीच में हमारा अक्षर आता है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो आप जो ऊपर वाली ब्लू है उसके पास एक गोला बनाएंगे, ऐसे गोला बनाएंगे और वहां से घुमाते हुए उल्टे हाथ की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ देखेंगे, गोला बनाएंगे और वहाँ से उल्टे हाथ की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से कर्व करते हुए घुमाते हुए सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर रोक देंगे। एक गोला बनाएंगे, गोला ऊपर, ऊपर से उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है? और फिर यहाँ से घुमाते हुए सीधे हाथ की तरफ, फिर ऊपर से लाइन, ठीक है? गोला बनाएंगे उल्टे हाथ की तरफ और फिर घुमाते हुए सीधे हाथ की तरफ लेके जाएंगे और फिर ऊपर से स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। इस गोले के ऊपर बेटा लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है? और थ थोड़ा मुश्किल है, इजी नहीं है, तो आप थोड़ा ध्यान से आराम से बनाएंगे। ऊपर पहले गोला बनाएंगे, फिर उल्टे हाथ की तरफ लेके जाएंगे, फिर वहाँ से सीधे हाथ की तरफ घुमाते हुए और ऊपर से लाइन, इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। समझ में आया? ऐसे
आपको पूरे पेज में लिखना है था। ठीक है, अभी हम क्या सीखेंगे, आपको बेटा ये पूरे पेज में लिखना है। ठीक है, अभी हम सीखेंगे द। ये क्या है बेटा, दवात, द से दवात। और क्या होता है द से, द से जब आप बीमार होते हो दवाई खाते हो, हाँ तो द से दवाई, दवा। ठीक है, वो भी द से ही होता है। और आप अपना खाना किससे चबाते हो, दांत से, तो द से दांत। हाँ, आप तैयार होके किस में देखते हो, मिरर में देखते हो, शीशे में देखते हो, उसको भी बेटा, उसको दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा द से शुरू होता है। ठीक है, और बहुत सारे शब्द हैं जो द से शुरू होते हैं, तो आज हम द बनाना सीखेंगे। अब आपने ट बनाना बनाया है वैसे ही बनाना है, पर ये लाइन ब्लू लाइन से ही छोटी बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जैसे ट बनाते हैं वैसे घुमाएंगे, छोटी लाइन बनाएंगे, और फिर जैसे ट बनाते हैं उल्टा, नहीं सॉरी, सी जैसे बनाते हैं आप इंग्लिश में, वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, नीचे से, तो ये आपका ट बन गया। और इसको अगर थोड़ा सा आगे, पहले ऐसे छोटी लाइन, फिर इसको, इसको बेटा थोड़ा गहरा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं कर देना है, उसको थोड़ा अंदर तक बनाएंगे, और इसको यहाँ से एक छोटी सी गोला बनाते हुए, घुंडी बनाते हुए नीचे लेके आना है, और ये घुंडी इस लाइन के नीचे आएगी। ठीक है, देखेंगे फिर से, छोटी लाइन घुमाएंगे, गोला बनाएंगे, और फिर नीचे ये गोला बनाते हुए तब ये लाइन इस ब्लू लाइन पे आएगी। मतलब ये आपका जो सी जैसे आप घुमाओगे, इसको ब्लू लाइन से ऊपर रखेंगे। ठीक है, और ऊपर लाइन देखेंगे, इधर छोटी सी लाइन घुमाएंगे, और इसको गोला बनाते हुए नीचे, ऊपर स्लीपिंग, स्टैंडिंग, ये ऐसे ऊपर से स्लीपिंग आए। समझ में आया बेटा, ये तो इजी है, आपने पहले भी बनाया है, थोड़ा सा ही चेंज करना है, तो आप आराम से बनाएंगे, साफ साफ राइटिंग में, अपनी बुक और कॉपी दोनों में अच्छे से बनाएंगे। ओके, देखिए बेटा कॉपी में कैसे बनाएंगे, इधर आज की डेट डालेंगे 4/10। ठीक है, और तो कैसे बनाएंगे, आप नीचे लाइन खींचेंगे, पहले स्टैंडिंग लाइन, और नीचे तक नहीं लेके आएंगे। ठीक है, इस लाइन तक आप नहीं लेके आएंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, और इसके इधर उल्टे हाथ की तरफ लेके जाना है, फिर यहाँ से घुमाते हुए थोड़ा सीधे हाथ की तरफ ऐसे छोड़ेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे, पहले स्टैंडिंग लाइन, इधर से स्लीपिंग लाइन, और फिर यहाँ से घुमाते हुए सीधे हाथ की तरफ लेके आएंगे। इसको बेटा ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा घुमाना है, और फिर ये अंदर लाना है। ठीक है, समझ में आया, इसी तरह से आपको कॉपी में बनाना है। ये आपका पूरा लाइन में नहीं आएगा। थ देखेंगे, थ कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक गोला बनाएंगे, और ये आप थ आप दूसरे पेज में बनाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज निकालेंगे, आप ऊपर एक छोटा सा गोला बनाएंगे, और यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ लेकर जाएंगे, और यहाँ से फिर सीधे हाथ की तरफ कर घुमाते हुए ये बस, और यहाँ से ऊपर से लाइन यहाँ तक, और आपको इसके ऊपर लाइन यहाँ। ठीक है, गोला बनाएंगे, फिर इधर उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ से घुमाते हुए सीधे हाथ की तरफ, ऊपर से स्टैंडिंग लाइन,
ये नीचे तक नहीं लाना है, ऊपर स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट पेज में द, द हम कैसे बनाएंगे, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। और यहाँ से घुमाते हुए जैसे ट बनाते हैं, और इसको इसके नीचे यहाँ देखेंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, इसको घुमाएंगे फिर और इसके नीचे ऐसे, ये हमारा द, द से दवात, द से दवाई, द से दर्पण, ठीक है। इस तरह से आप ये अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, बाय।